शाहरुख खान की मोस्ट सक्सेसफुल और मोस्ट प्रोमिनेंटेड फिल्म है कुछ कुछ होता है। जी हाँ, कुछ कुछ होता है जब रिलीज हुई, फिल्म के गानों के साथ साथ फिल्म इतनी ज्यादा सक्सेस रही कि उस साल के सारे अवार्ड इसी फिल्म ने ग्रैब किए। लेकिन क्या आपको पता है कि अब कुछ कुछ होता है 2 बनने जा रही है और करण जौहर यानी कि जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और जानवी कपूर को लेकर कुछ कुछ होता है 2 बनाने की सोच रहे हैं। आपको यहाँ बता दे कि संजू के सक्सेस के बाद रणबीर कपूर पर हर कोई बड़ा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर गेम खेलना चाहता है, क्योंकि वो जान चुका है कि संजू की सक्सेस रणबीर कपूर के बेजोड़ परफॉर्मेंस की वजह से ही हुई है। खैर, अब आपको बताते हैं कि अंजलि, टीना और राहुल का कैरेक्टर कुछ कुछ होता है 2 में निभाएगा कौन। एज ऑब्वियसली करण जौहर ने पहले से ही सोच कर रखा है कि टीना का कैरेक्टर जानवी कपूर पोर्ट्रे करेंगी, तो वही अंजलि का कैरेक्टर आलिया भट्ट और शाहरुख खान के रोमांटिक लुक में दिखेंगे रणबीर कपूर। वैसे जब से ये खबर सामने आई है, सोशल मीडिया पे हंगामा मच गया है और रणबीर, आलिया और जानवी के फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। वैसे भी सब जानते हैं कि इन दोनों की तिकड़ी कुछ न कुछ तो धमाल जरूर मचाएगी फिल्म में। वैसे भी आलिया और रणबीर अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इन दो बेस्ट एक्टरों के बीच न्यू कमर जानवी कपूर अपने आप को कितना प्रूफ कर पाती है।